बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बनाए गए रिफ्यूजी कैंप वाले इलाके में आग लग गई। हादसे में 2000 से ज्यादा शेल्टर होम तबाह हो गए हैं। इस दौरान किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आग से 12000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। वहीं आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है।